बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज स्टैम्पिंग। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। इससे पहले वाले हम लोग पिछले टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग इज द इफेक्ट दैट टेंड्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी। अब देखिए हमारे पास क्या है कि ऐसी बॉडी है जो कि ऑसिलेशंस को अंडरगो कर रही है, यानी वाइब्रेशंस को अंडरगो कर रही है। अब क्या होगा कि दैट जब हम कोई ऐसा सेटअप यूज़ करें जिससे इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो रिड्यूस होती चली जाए और इतना रिड्यूस हो जाए कि वह एट द एंड ख़त्म हो जाए, यानी इसकी सारी एनर्जी, देखिए वाइब्रेट करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, नाउ इफ वी डिक्रीज दिस एनर्जी ऑफ द बॉडी फ्रॉम टाइम टू टाइम इस तरीके से कि दैट इसके अंदर कोई एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहे और एट द एंड इसके अंदर कोई एनर्जी बचे ही ना, तो क्या होगा कि वो बॉडी क्या हो जाएगी, वो डैम्पिंग की सिचुएशन को अंडरगो कर लेगी, उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी कि वो ऑसिलेट करे या वाइब्रेट करे। ठीक है, दैट इज बेसिकली डैम्पिंग। आपने सुना होगा ना कि दैट सपोज डिफरेंट रूम्स में, जैसे जिन रूम्स में साउंड रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर कुछ इस तरह का किया जाता है, ठीक है, तो उनके इर्द गिर्द क्या किया जाता है, कुछ ऐसी कवरिंग्स वगैरह उन रूम्स के इर्द गिर्द लगाई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि दैट नॉइस को रिड्यूस कर दिया जाता है। यानी ये कि जो चीज़ आप कह रहे हो सर वो रिकॉर्ड होती है, बाकी की तमाम साउंड जो होती हैं उनको बीच में से ख़त्म कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। दैट इज़ बेसिकली डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग में क्या होगा कि देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड जो है अगर देखा जाए तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन। ठीक है, लाइन सॉरी स्ट्रेट नहीं आ रही। ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन। ओके, अब मेन पोजिशन के बीच का जो डिस्टेंस है और एक्सट्रीम पोजिशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब ये एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाए, ठीक है, विदाउट एनी मेजर यू नो एफर्ट या विजिबल एफर्ट, ठीक है, तो उसे हम डैम्पिंग कहेंगे। ठीक है, अब ये डैम्पिंग कैसे होती है हम ये देखते हैं। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ एन आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यूज इनडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। अब क्या होता है कि दैट अब हमारे पास अगर आइडियल सिस्टम है, आइडियल सिस्टम क्या होगा जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जो फोर्स ओरिजिनली उस सिस्टम के ऊपर लगाई गई है सिर्फ वही उसके ऊपर एक्ट करेगी और उसी के इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आएंगे। सपोज क्या होता है, मैं एक बॉल को बहुत जोर से जमीन पे फेंकती हूँ, ठीक है, तो आइडियल कंडीशन क्या होगी कि जमीन जो है या एयर की फ्रिक्शन उसके ऊपर ना लगे और वो बॉल जो है वो इसी हाइट पे जो है वो बार बार जंप करती चली जाए। लेकिन आपने देखा क्या होता है, बॉल जंप करती है आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो क्या हो जाती है, उसकी टैपिंग कम होती चली जाती है और उसके वो जो है वो एक जगह जाके खड़ी हो जाती है। ये क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि बॉडी को वापस मेन पोजिशन की तरफ लेके जाती है, उसके बजाय और भी फोर्सेज एक्ट करी है। कौन सी फोर्सेज? यहाँ पे देख लीजिए, जब बॉल मूव करती है फ्रॉम द एयर तो एयर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फ्रिक्शन लगती है बॉल पे, ठीक है, जब बॉल हिट करती है ऑन द वॉल, ठीक है, या फिर ऑन द फ्लोर, तो क्या होगा कि फ्लोर के ऊपर जब वो हिट कर रही है तो उसकी बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी उसकी जो एनर्जी है वो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड दिस फ्लोर उसकी वजह से लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा बाकी फोर्सेज भी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, सपोज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि दैट जो ऑसिलेटरी मोशन है, जो वाइब्रेटरी मोशन है ऑफ द बॉडी वो रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए बट सच एन ऑसिलेटरी मोशन कैन ओनली बी एन आइडियल वन बिकॉज सम हाउ देयर मस्ट बी अ रेजिस्टिव फोर्स दैट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस कौन सी हैं? जिनमें बॉडी के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा कोई और फोर्स भी एक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि क्या करेगी, जो कि ग्रेजुअली डिक्रीज कर देगी
क्या करेगी, ग्रेजुअली डिक्रीज कर देगी इस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को, ठीक है। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड स्प्रिंग मास सिस्टम विल इवेंचुअली स्टॉप इफ दे आर लेफ्ट अनटच्ड बिकॉज़ दे विल लूज एनर्जी ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर उनने कंबाइन उन फोर्सेस को क्या नाम दे दिया, रेजिस्टिव फोर्सेस, बिकॉज वो उस बॉडी के मोशन को रेजिस्ट कर रही है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या कर रहा है, उससे एनर्जी छीन रहा है उसकी, और यू बॉडी के रेजिस्ट जो है अपनी एनर्जी है वो लॉस्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दीज रेजिस्टिव फोर्सेस जो कि उसके मोशन के अगेंस्ट काम कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आपको एक बॉडी दिखाई दे रही है जो कि ओरिजिनली इस मेन पोजीशन पे थी और वो इन उसको वाइब्रेट हमने करवाया था टुवर्ड्स दिस पिंक पोजीशन, ठीक है, जो कि डिस्टेंस है A1, ठीक है। अब क्या है कि दैट जो जो बॉडी मूव करती चल जाती है, ये जो एयर का फ्रिक्शन है उस बॉडी के ऊपर वो एक्ट करता चल जाता है और बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लूज करी है। पहले वो A1 डिस्टेंस तक ट्रैवल करती थी, ठीक है, और यहाँ से भी इस डिस्टेंस तक ट्रैवल करती थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो जो एनर्जी लॉस्ट होती है बॉडी A1 के बजाय A2 डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एंड देन फिर A3 डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाती है, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि दैट उसकी एनर्जी लूज होती चल जाती है और बॉडी सिर्फ मेन पोजिशन पे आके खड़ी हो जाती है और कोई मोशन शो नहीं करती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इन्होंने इन मोशंस को एम्पलीट्यूड के फॉर्म में शो किया है। देखिए सबसे ज्यादा जिसकी जिसके अंदर मोशन होगी, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा वो A1 रिप्रेजेंट हुआ है, उसका एम्पलीट्यूड हाई है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखिए A1 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन पोजिशन वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस जो जो कम होता चला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो एम्पलीट्यूड है जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो भी क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, ठीक है, एंड एट द एंड इट वुड बी लॉस्ट। अब ये एम्पलीट्यूड क्यों कम होता चला जा रहा है इस डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखना है एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग, okay, now it would go on decreasing and ultimately it would be lost. आपने ये चीज़ यहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है। और एम्पलीट्यूड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ये, जितनी ज्यादा ये डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। जो जो ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कम होता चल जा रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेजिस्टिव फोर्सेस, फॉर एग्जांपल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो भी कम होता चल जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी कम होती चल जाएगी। अब क्या है, एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि जब डैम्पिंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड या फिर एनर्जी जो है उस सिस्टम की डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एयर की फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस्ट हो रही है और एयर के फ्रिक्शन से ही उसका मोशन कम हो रहा है। जब मोशन कम हो रहा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन कम हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। लेकिन क्या है कि जिस फ्रिक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है, जिस फ्रिक्वेंसी से वो मूव कर रहा है, मतलब एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन दे रहा है, ऑसिलेशन दे रहा है, वो हमेशा सेम रहेगी। तो डैम्पिंग के इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, आप कहेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, डेफिनेटली इजी है। डैम्पिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या है, रिडक्शन है इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि ये रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस क्यों होता है, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। तीसरा आपको ये डायग्राम आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी से एम्पलीट्यूड निकलेगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे जो है वो मेंशन भी करना है कि एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि डैम्पिंग के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड एंड क्या डिक्रीज होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है, जबकि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस है वो हमेशा सेम रहेगी। तो होप्स आपको ये टॉपिक यहाँ पे समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझने वाले हैं दैट इज वेव्स एंड देयर टाइप्स, ओके। मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं जो है वो आपको डिफरेंट स्लाइड्स बना के दिखा दूं, बट मैं बुक से ही अगेन पढ़ाऊंगी। और वो क्यों पढ़ाऊंगी, बिकॉज आपके लिए बुक के टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हम फिर वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी के साथ स्टडी कर लेंगे।